तो हम आ चुके हैं म्यूनिक. दे लुक स्मॉल बट दे कैन प्रोटेक्ट अपेरेंटली. इंटरेस्टिंग स्टोरी है. लोग ज्यादा यूज करते हैं. सुड़ के पियो. ये दोनों टूर गाइड हमें बस घुमा रहे हैं गोल गोल. तब से हमें यही बिल्डिंग दिख रही है डायरेक्शन से. देसी लाइफ अब्रॉड. तो आज हम निकले हैं हमारे पहले दिन म्यूनिक भ्रमण में. हम आज म्यूनिक का पूरा भ्रमण करेंगे. पूरा तो नहीं, म्यूनिक इज लाइक वेरी ह्यूज. तो जितना पॉसिबल हो सके एंड लेट्स सी क्या क्या कवर होता है. इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो कवर कर ही देंगे. और यूरोपियन सिटीज़ का ऐसा है कि जो भी देखने लायक चीज़ें होती हैं वो मोस्टली सेंटर में होती हैं. तो Hence, mostly सब कुछ हम लोग देख ही लेंगे. एंड फिर देखते हैं, स्पॉन्टेनियस प्लान बनाते जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है कहाँ जाना है. फिलहाल तो टूवर्स द सेंटर. तो हम आ चुके हैं म्यूनिक. बेसिकली म्यूनिक के सिटी सेंटर में, एकदम सेंटर में, विच इज़ कॉल्ड मारियन प्लाट्स. हमारे सामने है अभी म्यूनिक का न्यू टाउन हॉल. It looks pretty old, but believe me, it's new because the old town hall is there, which looks pretty new. इसकी हिस्ट्री ये है कि जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे अलाइड फोर्सेज ने पूरे म्यूनिक में बहुत सारी बॉम्बिंग की थी, विच इज़ वेरी कॉमन अराउंड ऑल ऑफ जर्मनी. एंड ये बॉम्बिंग के वक्त ये लोग लैंडमार्क चूज करते थे. एंड दिस केस दिस वॉज वन ऑफ द लैंडमार्क्स. एंड इसके अराउंड फिर ये लोग पूरे म्यूनिक में बॉम्ब करते थे. हेंस दिस बिल्डिंग स्टूड बट द ओल्ड टाउन हॉल वॉज डिस्ट्रॉयड. बट यहाँ की गवर्नमेंट चाहती थी कि इनको उसी तरह से बनाया जाए जैसे ये पहले हुआ करते थे, इसीलिए यहाँ पे नकली फसाड लगा दिए गए हैं. बेसिकली बस पेंट किया गया है ब्रिक के स्टाइल में ताकि ये वैसा दिखे. इवन देयर एज वेल ताकि एस्थेटिक बनी रहे बट कॉस्ट ज़्यादा ना हो. यहाँ पे देर इज द स्टैचू ऑफ मेरी ऑन द टॉप. नीचे देर आर सम चेरब्स व्हिच बेसिकली आर प्रोटेक्टर्स. दे लुक स्मॉल बट दे कैन प्रोटेक्ट अपेरेंटली. द बवारिया इज वेरी कैथोलिक इवन टिल टुडे एंड हेंस देर आर अ लॉट ऑफ क्रिश्चियन सिंबलिज्म्स दैट यू विल फाइंड एवरीवेयर. तो ये न्यू टाउन हॉल में आप देख सकते हैं उसके एंट्रेंस पर एक मॉन्क है और दो लोग खड़े हैं. तो द मॉन्क इज़ बेसिकली अ सिंबल ऑफ म्यूनिक, क्योंकि म्यूनिक इन जर्मन इज़ कॉल्ड म्यूनशन, जो कि जिसका पुराना नाम यूज़ टू बी म्यूनशियन इफ आई एम करेक्टली प्रोनाउंसिंग इट, विच यूज़ टू मीन इन ओल्ड जर्मन अ मॉन्क. तो बेसिकली म्यूनशन मीन्स एक्चुअली मॉन्क एंड हेंस द मॉन्क दैट यू सी देयर. इसके एक हाथ में बाइबल है और दूसरे हाथ में ही इज टेकिंग एन ओथ टू द गॉड्स. उसके बगल में लेफ्ट साइड में यू कैन सी अ मैन होल्डिंग अ ब्लैक एंड गोल्ड फ्लैग व्हिच इज द फ्लैग ऑफ म्यूनिक. एंड देन ऑन द अदर साइड देयर इज अ मैन होल्डिंग व्हाइट एंड ब्लू फ्लैग व्हिच इज द फ्लैग ऑफ बवारिया और बायर्न. एंड राइट ऑन टॉप देयर इज अ लायन व्हिच रिप्रेजेंट्स म्यूनिक अगेन. So the white and blue flag of Bavaria basically comes from the white snow and the blue comes from the blue lakes that you can find har taraf Bavaria mein and also the blue sky. So we are now currently in the new town hall and it's beautiful here. इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आप देख रहे होंगे इस पे लोग हाथ रख कर फोटो ले रहे हैं, बट एक्चुअली ये है कि माना जाता है कि अगर वहाँ हाथ रखा जाए तो इट ब्रिंग्स गुड लक. एंड ऐसा सेम स्टैचू वेरोना में है. ये बेसिकली रोमियो जूलियट वाली जूलियट है
एंड हेंस वेरोना में इसका डुप्लीकेट स्टैचू है एंड यू कैन सी सब इसके साथ फोटो उठा रहे हैं. So, जिस तरफ लोग ज्यादा यूज करते हैं उस तरफ को छोड़कर बाकी सारा जो पोर्शन है वो डिस्कलरेशन हो गया है. वर्नीत बाबा लक ट्राई कर चुके हैं. लेट्स सी इफ लक होपफुली सब अच्छा हो. Now we are entering the Holy Ghost Church. It is a Gothic Hall Church और ये Hospice of Holy Ghost को belong करता है. इसकी history ये है कि ये 14th century में बनाया गया था but इसे 18th century में remodel किया गया and इसमें Rococo frescoes add किए गए but then इसे हैवी डिमोलिशन का सामना करना पड़ा इन वर्ल्ड वॉर टू और इसके इंटीरियर फर्निशिंग सब डिस्ट्रॉय हो गए एंड देन इसे वापस से रीबिल्ड करना पड़ा रिस्टोर करना पड़ा 1950 में बट देन 1960 में ये बहुत ही सुंदर रिक्रिएशंस ऐड किए गए ओरिजिनल रोकोको फ्रेस्कोस के. सब अफोगातो का लुत्फ उठा रहे हैं. अफोगातो अर्पित एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है. अफोगातो एक एस्प्रेसो शॉट के अंदर एक आइसक्रीम का स्कूप डाला जाएगा. वनीला आइसक्रीम जनरली. अफोगातो मीन्स एस्फिक्सिएशन. Oh, the ice cream is getting asphyxiated in the coffee. Yeah, kind of. Sud ke piyo. Wo ek ad aata tha na. Pahida de lal. Ye dono tour guide hame bas ghuma rahe hain gol gol. Tab se hame yahi building dikh rahi hai directions hai. ये बात ठीक लेंगे. कटक से लेके आए इसको. कब भी ऐसा कर रही है. अबे कटक से लेके आए तो तुम्हें पता नहीं कटक वाले सबसे ज्यादा ठगते हैं. कटक छोड़ ये महांती का हरण होती. अबे महांती समस्तंग रो रोहंती. अगर आपने ये कभी सुना है आप उड़िया और ये सुना है आपने तो बताइएगा. मुझे यहाँ पे कहीं फैबरजे एग्स दिखे थे. हाँ ये दो फैबरजे एग्स यहाँ पे. तो सामने है म्यूनिक रेसिडेंस. अभी मैं ट्रेन से टकरा जाता बट ये बवारिया के विटलबाख मोनाक्स का रेजिडेंस हुआ करता था. ये पूरे जर्मनी का सबसे बड़ा इन टाउन पैलेस है. इसका एक बहुत ही बड़ा फेमस प्रिंस था उस टाइम पे लुडविग द फर्स्ट जिसने ग्रैंड शादी ऑर्गेनाइज की थी अपनी जिसमें उसने पूरे शहर को बुलाया था टू टेक पार्ट इन द वेडिंग एंड जस्ट enjoy फॉर फ्री. इसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर हुआ. पहले से भी बहुत पॉपुलर था बट ही वॉन्टेड टू रिक्रिएट दिस इन 1811 जस्ट वन ईयर लेटर एंड ही बेग्ड हिज फादर कि मुझे थोड़े पैसे दो बट हिज फादर सेड ना पैसे नहीं है मेरे पास. बट उसने आइडिया दिया कि तुम एक काम करो लोगों को बोलो कि एक कम्युनिटी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करें जहाँ पे वो अपना खाना खुद लाएं म्यूजिशंस को बुलाओ जो म्यूजिक बजाएं एंड सबका एंटरटेनमेंट हो जाएगा. And guess what? It happened. And that was the birth of Oktoberfest. अरे अंदर जा रहे थे कहाँ जा रहे हो अभी?
ये टूर गाइड हमें बस इधर उधर घुमाएंगे और कुछ नहीं। ये 100% 200% सही है। ऑफ कोर्स सो ट्रू राइट। हमने कितनी एपिक शिट की वो भी ड्रंक होके। और अब हम आ गए हैं म्यूनिख रेसिडेंस के अंदर। नाउ दैट इट इज नो लॉन्गर अ रेसिडेंशियल पैलेस, दिस हैज टर्न्ड इनटू अ लवली प्लेस, अ पार्टी प्लेस। दादी हैज अ मस्त म्यूनिख रेसिडेंस के अंदर है और यहाँ पे बहुत सही पार्टी चल रही है। माहौल है यहाँ पे, माहौल। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे ये भी बहुत ही हेवीली डिस्ट्रॉय हो गया था एंड अगेन पेंटेड फसाद्स एज यूजुअल इन्होंने वैसे ही रिक्रिएट किया है जैसे पुराने ज़माने में दिखा करता था। दे हैव ट्राइड टू कीप द विंडोज़ दैट वर ओरिजिनली देयर, जो नहीं थे दे हैव सिंपली पेंटेड इट ओवर सो दैट इट लुक्स एज इट यूज़ टू बी। एंड दैट्स द ट्रेजरी जहाँ पे काफ़ी सारे खजाने रखे हुए हैं। Over 800 years of Wittelbach's rule, इसमें कई सारे नए नए buildings add किए गए, काफ़ी sections add किए गए, gardens add किए गए as you can see, and also different kings and princes ने अपने हिसाब से different sections को design किया, add किया, and yeah, that is what kings do. So that's Munich Residence. और इसी के बगल में है थिएटर और थिएटर के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही प्राइड से प्राइड का झंडा लहरा रहा है। नाइस। नाउ दिस वाज अ बिट एस्टोनिशिंग। यहाँ पे एक मूर्ति है एक म्यूजिशियन की एंड उसके नीचे माइकल जैक्सन के फोटोज लगे हुए हैं। ये उनके फैन बेस यहाँ पे लगाते हैं बिकॉज दे जस्ट लव हिम एंड हमेशा इसका हर वीक आके वो लोग साफ सफाई करते हैं एंड केयर करते हैं। यू आस्क वाई, बिकॉज दिस इज द होटल जहाँ पे माइकल जैक्सन रुका करता था एंड हेंस ऑल दिस फ्लेयर राइट इन फ्रंट ऑफ हिज फेवरेट प्लेस इन बवारिया और हिज फेवरेट प्लेस टू स्टे इन बवारिया। तो आज हम आए हैं बहुत ही ऑथेंटिक एक थाई रेस्टोरेंट में जो कि म्यूनिख में ही है एंड लुक एट द डेकोर, दे हैव पुट एन ऑथेंटिक टुक टुक इन हियर। एंड देन देयर्स दिस एक पूरा का पूरा रिक्शा। दिस इज़ अ थाई स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट। यहाँ पे सारी चीज़ें और सारा डेकोर स्ट्रीट फूड की तरह किया गया है। छोटे छोटे स्टॉल्स बने हैं, ऑब्वियसली आप स्टॉल से जाके तो नहीं लेंगे, आप रेस्टोरेंट की तरह बैठ के ऑर्डर करेंगे, बट द वाइब इज़ लाइक ऑसम। खाना बनते हुए अच्छा ये क्या है? पानी। बेचारी नारियल पानी पी रही है। कतार। शर्माओ मत दामाद जी। कुछ ही दिनों के अंतराल में हम फिर से थाई फूड खा रहे हैं। But this time in Munich. The authentic ambiance. Yes. Like even the cutlery shows the authenticity.
ये कटलरी आपको जर्मनी में ऐसी कटलरी मुझे नहीं पता कहाँ दिखती है। ये इंडिया में अगर आपने ठेले में खाना खाया है तो ऐसा ही दिखता है कटलरी। जर्मनी के रेस्टोरेंट में थोड़ा बेटर कटलरी, थोड़ा फैंसी कटलरी दिखता है। और ये इतना पतला है कि ये टूट ही जा रहा है। ऐसे बेंड भी कर सकते हैं, करेंगे नहीं क्योंकि दुकान का है। एक्सक्यूज मी, जाओगे? नहीं नहीं, 100 रुपये? नहीं 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 जाएगा नहीं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लेट हो गई, रात हो गई, छोड़ दो प्लीज़। नहीं जाएगा नहीं। प्लीज़ कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? पासिंग तक, पासिंग प्लीज़। थोड़ा प्लीज़ प्लीज़, 200 ले लेना। 200 यूरो? ठीक है, बुक करके जाएंगे। हाँ ठीक है, मीटर से तो नहीं, बुक करके जाएंगे। अच्छा ठीक है, 200। हाँ ठीक है, जाओ। जल्दी नहीं जाएगा, आगे देखो ट्रैफिक। 200 यूरो दे रहा है ना, जल्दी चलो। जल्दी नहीं जाएगा, उतरो 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 नहीं नहीं पहुंचा नहीं, दूसरा ठीक है, नहीं पहुंचा। अच्छा आज के लिए इतना ही।